जय हिंद साथियों, आज की अब बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आपकी आरपीएफ एसआई, आपके एएलपी और आपके टेक्नीशियन की जो एग्जाम डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। तो सभी बच्चे और सभी साथी हमारे लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जुड़े रहेंगे और एक भी चीज आप मिस नहीं करेंगे। सारी अपडेट हम आपकी मतलब आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। बहुत बड़ी अपडेट है आज की। आप लोग को पता है बिल्कुल भी अभी आपके फॉर्म पड़े थे और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया है। ऑफिशियल आपकी अपडेट है, ठीक है, ऑफिशियल आपकी अपडेट दी गई है। देखेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, आपकी ये अपडेट आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी चीजों के, आपके जेई के, आपके टेक्नीशियन के, आपके एएलपी के सभी एग्जाम की इसमें बात की गई है और सभी एग्जाम के बारे में आपको बताया गया है कि आपका कौन सा एग्जाम किस डेट के लिए हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये टेंटेटिव एग्जाम डेट है। अभी अभी जस्ट अभी आपकी ये अपडेट आई है, शेड्यूल आपका जारी हुआ है, ठीक है, रेलवे बोर्ड की तरफ से। आपका पहला बोर्ड है, पहली की बात करते हैं पोस्ट की, आपकी एएलपी की, जो आपकी सीबीटी, मतलब सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका सीबीटी बन जो आपका होगा वो आपका कब से होगा, 25 नवंबर 2024 से आपका 29 नवंबर 2024 तक आपका होने वाला है एएलपी का, ठीक है। ये बहुत बड़ी अपडेट है अभी की अपडेट। अगर मैं बात करता हूं आरपीएफ एसआई के लिए, तो आरपीएफ एसआई का जो टेंटेटिव आपका शेड्यूल जारी हुआ है वो आपका 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। ये एसआई की बात हो गई। अब बात करते हैं बेटा हम टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन के लिए बात करें तो 16/12/2024, इसका मतलब 16 दिसंबर से आपका 26 दिसंबर तक आपका एग्जाम टेक्नीशियन का चलेगा। वहीं अगर जेई और जूनियर इंजीनियर और अदर पोस्ट की बात करें तो वो आपका 6/12/2024 से आपका 13/12/2024, मतलब 6 दिसंबर 2024 से आपका 13 दिसंबर 2024 तक आपका चलने वाला। ये सारी जो डेट है वो बोर्ड की तरफ से बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है। सारी अपडेट हमारे चैनल के द्वारा आपको सबसे पहले दी जाती है ना। सारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आपको देखा है कि जो आपकी जो लिंक होगी है ना, जो आपकी एडमिट कार्ड की जो बेटा लिंक होने वाली है, एडमिट कार्ड जब आपका आता है तो आपको पता होगा जैसे एग्जाम डेट आ जाती है उसके तुरंत बाद आपका एडमिट कार्ड आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट विल बी मेड 10 डेज, मतलब आपको 10 दिन के भीतर आपको क्या पता चल जाएगा कि एग्जाम सिटी पता चल जाएगी, एग्जाम डेट आपको पता चल जाएगी, 10 दिन के भीतर ये आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह जो आपका होता है वो आप सबको आपको पता दिया जाएगा। और वहीं दूसरी मेन चीज यहां पे देखेंगे, जो कॉल लेटर हैं आपके, मतलब एडमिट कार्ड हैं, वो आप अपने एग्जाम से चार दिन पहले ही आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आज की। आप लोग अच्छे से तैयारी, जिस भी बच्चे ने तैयारी शुरू नहीं करी है अच्छे से तैयारी कर ले। हमारे चैनल के द्वारा भी एनटीपीसी के बैच लगाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कोर्स, बिल्कुल आपको कुछ भी आपको पे नहीं करना है, आप फ्री में आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी की अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।